आरंभ हो रहा है म्यूजिक का सबसे बड़ा त्योहार। जब आप लागा लागा रे नमक इश्क का है तेरे इश्क का। I've not heard a female voice like this। तेज था तड़का का करूं सीसी करती मैं वाह 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 रात भर छाना रे फुल सिक्सर रात भर छाना छाना रे। 7 अक्टूबर से शनिवार रविवार रात 8 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर। तो हो जाइए दोस्तों तैयार, जिसका था आपको एक लंबे समय से इंतजार, इंडियन आइडल सीजन 14 का आगाज होने वाला है, जो कि आपने अभी प्रोमो के दौरान में देखा, जो कि 7 अक्टूबर से हमें देखने को मिलेगा, जिसमें पहला प्रोमो सामने आ चुका है, जो कि फरीदाबाद से आई हुई आद्या मिश्रा है दोस्तों, और इन्होंने मूवी ओंकारा का गाना, जो कि 2006 में यह मूवी आई थी, जुबा पे लागा नमक इश्क का, जिसे कि रेखा भारद्वाज और राकेश पंडित जी ने अपनी आवाज दी है, उस गाने को ऑडिशन राउंड के दौरान में धमाकेदार तरीके से प्रेजेंट किया है, जिसे सुनने के बाद में विशाल ददलानी जी ने इनकी जम के तारीफें की है और बताया कि आई हैव नॉट हियर्ड ए फीमेल वॉइस लाइक दिस। साथ ही साथ श्रेया घोषाल ने जिस तरीके से इनके परफॉर्मेंस पर अपना रिएक्शन दिया है और मंच पर आकर उन्हें गले से लगा लेती है दोस्तों, काबिले तारीफ इनका परफॉर्मेंस रहा है, जिस पर कि कुमार सानू जी की भी प्रतिक्रिया हमें देखने को मिली है। आपको बता दूं कि इंडियन आइडल 14 में हमारे 3 जजेस विशाल ददलानी जी, साथ ही साथ श्रेया घोषाल जी और कुमार सानू जी रहने वाले हैं दोस्तों, और इन्हीं तीनों की जजमेंट में हमारे सभी कंटेस्टेंट का सिलेक्शन किया जाने वाला है और इंडियन आइडल 14 का आगाज होने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आद्या मिश्रा की लाजवाब सी सिंगिंग आपको कैसी लगी और इंडियन आइडल के इस नए सीजन के लिए आप कितना एक्साइटेड है, अपनी राय देना मत भूलिएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और इंडियन आइडल के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रभात जागरण।